अगर आप भी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन तो आपका मोबाइल पर एक ऑप्शन ज़रूर देखा होगा, वो ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी कॉल। बहुत सारे लोग इस इमरजेंसी कॉल फीचर्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन लोगों को इमरजेंसी कॉल फीचर्स को यूज़ करना नहीं आता है। तो क्या है ये इमरजेंसी कॉल, कैसे हम लोग इमरजेंसी कॉल को यूज़ करेंगे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रोजटेक चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि YouTube हर वीडियो आपको पहले भेजे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर हमारा फ़ोन कभी भी लॉक रहता है तो उसको खोलने के लिए हम लोग अपना पासवर्ड डालते हैं। जी हाँ, पासवर्ड डालते हैं। तो उस पासवर्ड डालने के आस पास यानी बगल में आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा, इमरजेंसी कॉल। ये फीचर्स आप लोगों को दिख जाएगा लेकिन इस फीचर्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इमरजेंसी कॉल का मतलब है इस ऑप्शन से आप सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी फ्रेंड या दोस्तों को इस ऑप्शन से आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके एरिया पर कहीं पर लड़ाई हो रहा है या फिर कहीं पर आग लगा है और आपको एम्बुलेंस या फिर पुलिस को फ़ोन करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आपका फ़ोन लॉक है और आपका जो पासवर्ड है फ़ोन का, तब उस पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहे हैं या फिर आप भूल गए हैं, तो क्या करेंगे आप? और आपको पुलिस या फिर एम्बुलेंस का भी फ़ोन नंबर पता नहीं है, उस टाइम पर आपको इस इमरजेंसी कॉल हेल्प कर सकता है। जैसे कि इंडिया के लिए एक इमरजेंसी नंबर है 112। अगर आप उस वक्त 112 पर कॉल करते हो तो एक कॉल आपका एरिया का जो हेल्पिंग सेंटर है, ह्यूमन हेल्प सेंटर, वहाँ पर चला जाएगा या फिर आपका एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन पर चला जाएगा। जल्द ही आपको पूछा जाएगा आप किसी मुसीबत पर फंस गए हो या फिर आपका एरिया पर कुछ मुसीबत आए हो। अगर आप या फिर कोई भी किसी भी मुसीबत पर फंस गए हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए और आपका जो शिकायत है वो इस नंबर पर दर्ज कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के बारे में हर लड़का को से ज़्यादा लड़कियों को पता चले, क्योंकि हर लड़कियों बहुत ज़्यादा बहुत मुसीबत पर फंस जाते हैं। कभी कभी हमारा फ़ोन पॉकेट पर रहता है और इमरजेंसी कॉल लग जाता है। इसके लिए आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कॉल को कट कर सकते हैं। फ़ोन कट करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि वो लोग आप लोगों को फ़ोन करेगा तो एक गलत है। बाय चांस आपको फ़ोन करता भी है तो आप लोग बोल दीजिएगा ये कॉल गलती से लग गया था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग पहले पा सको। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।